शर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार हम कोरल ड्रॉ में इंच टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले गाइस मैं कलर आई ड्रॉपर टूल्स का यूज करना बता रहा हूँ। जस्ट हमें इसे सिलेक्ट करना है और जैसे कि मैंने ये बॉक्स पहले से ही बना रखे हैं, तो मैं जस्ट इस बॉक्स का कलर पे सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से और सिंपली ले जाके इस बॉक्स पे ड्रॉप कर दूँगा इस तरह से। देखेंगे आप कि ये सेम तरह के कलर हो चुके हैं। इस तरह ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हमें कलर सिलेक्ट करना हो इस पर जाके क्लिक करना है। तो गाइस इस तरह से हम कलर आई ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टूल है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल। तो इसके यूज़ के लिए मैंने कुछ बॉक्स पहले से ही ले रखे हैं, तो मैं इसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम जस्ट इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। मैं इस बॉक्स में कुछ पावर क्लिप वगैरह दे देता हूँ। जैसे बॉक्स बना के मैं इसमें पावर क्लिप अप्लाई कर रहा हूँ ये। अब मैं जस्ट इस टूल को सिलेक्ट कर इस पर क्लिक करूँगा और इफेक्ट में जाकर पावर क्लिप पे चेकबॉक्स लगा के ओके करना है और इस पर जाके क्लिक कर दूँगा। और जब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो आप देखेंगे पावर क्लिप का बॉक्स इसके अंदर भी आ चुका है कुछ इस तरह से। देखिए तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जब मैं सेकेंड बॉक्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाके इसके साइज पर क्लिक कर देता हूँ ओके। जब मैं इसके साइज पर क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स का साइज उसी साइज के हिसाब से हो जाता है। ये देखिए ये दो बॉक्स हो गए सेम साइज के। तीसरा होता है इसमें रोटेशन का, ये रोटेशन का। जब मैं रोटेशन पर क्लिक करता हूँ और इस बॉक्स पर जाके मैं रोटेशन पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये बॉक्स अपने आप रोटेट हो चुका है। तो इस तरह से गाइस हम कोरल ड्रॉ में कलर आई ड्रॉप और एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं।